उन्नाव शुक्लागंज स्लग ग्राम प्रधान से परेशान ग्रामीण। एंकर जनपद उन्नाव के ग्राम शंकरपुर में ग्रामीणों का कहना है, कोरोना जैसी महामारी में शहरों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, वहीं गांव शंकरपुर सरान्य में ना कोई दवा का छिड़काव हो रहा है और जगह जगह नालियां भरी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला रहे हैं, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ना किसी की सुन रहा है, ना ही गांव में कोई सफाई अभियान चला रहा है, जिससे आसपास के लोगों को निकलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि बाहर नाली का गंदा गंदा पानी उनके दरवाजे भरा हुआ है, बीमारी फैलने का डर है। उन्होंने प्रधान से शिकायत भी की, प्रधान को अवगत कराया, लेकिन प्रधान का कहना है कि हम देख लेंगे। ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। वहीं मौके पर किशोरी लाल, जीवन लाल, गोलू, संतु, मोहल्ले के सभी लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मी बिल्कुल ही नहीं आता, छोटे छोटे बच्चों का निकलना भी बहुत ही कठिनाई जनक है, बरसात में तो बहुत ही समस्या का सामना उठाना पड़ता है। आपकी समस्या क्या है? समस्या भैया ये 20 साल से ये जो है इतना चाला कीचड़, परिस्थिति खराब है कि आप लोग देख सकते हो, एक एक बच्चे न जाने कितने बार गिर जाते हैं। लेकिन कोई भी प्रधान से कहते गए, प्रधान के पास, प्रधान से कहा कि चलो हमारी गली देख लो चल के, 20 साल से समस्या है चाला कीचड़ की। लेकिन प्रधान ने कहा वहाँ चाला कीचड़ भरा है, हम वहाँ क्या करने जाएं। तो आपके यहाँ प्रधान जी कौन है? प्रधान किरण देवी प्रधान है, उनके लड़के बड़े हैं अनुज वाजपेयी। अनुज वाजपेयी से कहा तो उन्होंने अनुराग वाजपेयी जी से कहा तो उन्होंने कहा वहाँ चाला कीचड़ भरा है, लेकिन हम नहीं वहाँ जाएंगे। ये अनुराग वाजपेयी जी भी क्या प्रधान जी के सुपुत्र हैं? हाँ जी, वो बड़े सुपुत्र हैं और अनुज वाजपेयी छोटे पुत्र हैं। अच्छा, तो इसके अलावा यहाँ पर कभी साफ सफाई हुई है? नहीं, कभी नहीं, आज तक कोई देखने नहीं आया। और यहाँ पर कभी छिड़काव हुआ है दवा का? छिड़काव नहीं, नहीं कभी चल रहा है। नहीं, यहाँ कभी कोई दवा ववा छिड़कने नहीं आया। और यहाँ जो है जनता परेशान है, जितने भी इस मोहल्ले में रहते हैं और लोग यही चाला कीचड़ मंजा मंजा करके, बहुत परिस्थिति उनकी खराब है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है।